नमस्कार एंड टाइम्स के साथ मैं हूं काजल। दो ट्रकों में हुई जोरदार भिड़ंत, फिर लगी आग, आग में तीन लोग जिंदा चले, एक हुआ घायल। हादसा रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:15 बजे घटला ब्रिज पर हुआ। आमने सामने से आयशर और ट्रक में भिड़ंत होने के बाद आग लग गई थी। आग लगने से आयशर में सवार तीन लोग जिंदा जल गए। जलने से मौके पर मरे तीन लोग खरगोन निवासी हैं। हादसे में एक व्यक्ति बच गया जो घायल हुआ है। खबर के मुताबिक मिर्ची से भरा आयशर ट्रक खरगोन से अजमेर की तरफ जा रहा था, तभी घटला ब्रिज पर दूसरा ट्रक लाइन तोड़कर आयशर से जा भिड़ा और हादसा हो गया। ट्रक में मार्बल भरा हुआ था। मामले की सूचना मिलते ही नामली और रतलाम से फायर फाइटर मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। पुलिस ने तीन शव जिला अस्पताल भेजे, जहां उनका सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया। मृतकों के परिजनों को पुलिस ने खबर दी। खबर के बाद परिजन खरगोन से रतलाम के लिए रवाना हुए। हादसे में असलम पिता मकबूल शेख निवासी खरगोन, रमेश पिता पातलिया मंडलोई निवासी ग्राम हेड़ापाड़ा खरगोन तथा विष्णु पिता मथुरा लाल भास्कर निवासी खरगोन है। मुर्तुजा पिता गुलाम निवासी खरगोन को मामूली चोटें लगी हैं। मृतकों के परिजन दोपहर को रतलाम पहुंच गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कर्मी ने बताया, मामला ये है कि रात को एक ट्रक इंदौर तरफ जा रहा था, मार्बल का भरा हुआ। एक ट्रक मिर्ची का खरगोन तरफ से अजमेर जा रहा था। मिर्ची वाले ट्रक में कई होने से डिवाइडर चढ़ के दूसरी साइड में चले, जिससे इंदौर तरफ जा रहे ट्रक पे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक्सीडेंट होने से आग लग गई है, जिसमें करीब तीन लोग जल चुके हैं, एक बच गया है। उसमें उसके परिजन को सूचना दे दी गई, वो आ रहे हैं। जो बच गया वो कहाँ है? अभी यही है। शहर में एमओएस के विपरीत चल रहे निर्माण पर प्रशासन का जेसीबी का पंजा चल रहा है। रविवार को राजस्व और निगम अमले ने गौशाला रोड पहुंचकर एक दर्जन पक्की दुकानों तथा गुमटियों को जेसीबी से तोड़कर अवैध निर्माण सख्ती से हटा दिए। प्रशासन की यह कार्रवाई नायब तहसीलदार नवीन गर्ग, तहसीलदार तेजवीर चौधरी निगम अमला ने की। पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई का क्षेत्र में विरोध भी हुआ। भाजपा नेता मधु पटेल की कार्रवाई को लेकर तीखी तकरार भी हुई। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया, प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की है, जबकि गुमटीधारी यहां वर्षों से व्यापार कर रहे थे। कितनी गुमटी होगी ये सारी दुकान? 12 तो किस किस की है? रूपगंज की पटेल सात लोग हैं, उनकी है, नागेश की है, एक मोहन मास्टर की है, एक मेरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान जी पवार। हाँ, और जी एन ठाकुर साहब की है। नाम? नाम बताओ सर। ठाकुर साहब, ठाकुर प्रसाद। और एक वो उधर लाला भाई की है, एक नाम लाला कौशल, लाला कौशल की है। और पटेल साहब की, मधु पटेल की है, मधु पटेल। कितने मालिकी की है? कितने दिन पहले, कितने साल से आप यहाँ? 40 साल से, करीब 40 साल, 40-45 साल से आप यहाँ पे दुकान घूमती हुई। मतलब किसने पक्की भी कर लिया, किसने पक्की घूमती हुई है? क्या बोला आज प्रशासन? आज आप कोई सूचना नहीं है? सूचना नहीं, बिना नोटिस दिए आए हैं, बिना नोटिस दिए आए हैं, कोई सूचना नहीं हमें नहीं दिया हमको बिल्कुल भी। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताल क्षेत्र में गत दिवस पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गईं। आलोट तहसील क्षेत्र में चंबल एवं शिप्रा नदी में से अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। गत दिवस ग्राम मेलुखेड़ी के समीप चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ ताल तहसीलदार एवं पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी अवैध रेत सहित ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी। प्रशासन के दल ने इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें ताल पुलिस को सौंपा। पकड़े गए सभी ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को मालिकों के खिलाफ अवैध खनन अधिनियम में प्रकरण दर्ज कार्रवाई की है। यह कार्रवाई संयुक्त दल पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा
एहरवास के पास चंबल नदी पर अवैध उत्खनन बुरा सा सूचना मिली। सूचना पर दल के साथ गए और जाने के बाद 5 ट्रैक्टर हम लोगों ने पकड़े जो कि चढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ने और रास्ता खराब होने के कारण ट्रालियाँ हमें वहीं छोड़ना पड़ी और 2-3 ट्रैक्टर ट्राली से ही थे और बाकी मुंडे हैं और जेसीबी वहाँ से जब तक भाग चुकी थी। जी इसमें आपके साथ आपके कौन से पदाधिकारी की इसमें भूमिका रही? और हमारे पटवारी रामरत्न सूर्यवंशी, रमेश सोलंकी और इंस्पेक्टर सुनीता सोलंकी और आरक्षक, 3 आरक्षक थे साथ में हमारे। जी आपको किस द्वारा संगीन मिली, मतलब पता के किस बारे में क्या हुआ इसको जानकारी आपको? हमारे पास अज्ञात फोन आया और उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर अवैध उत्खनन कार्य चल रहा है जिस पर हमने दबिश दी और रूट बदल कर दी। उन्होंने पुलिस को हमने रिंग रोड साइड से भिजवाया और हम इधर से नागरपाड़ा मेडो खड़ी हुए पहुंचे, किंतु पहुंचने पर वह रास्ता खराब होने के कारण हमारी गाड़ी भी नहीं पहुंच पाई और हम पैदल गए। तब तक वो जेसीबी भाग चुकी थी, ट्रैक्टर पकड़ में आया जिन्हें लाया। जी अभी वाहन कहाँ है, वाहन सुपुर्द कर दिए? कहाँ पर दिए? वाहन अभी थाने पर है, थाना ताल में। अच्छा, पांचों वाहन वहाँ पर सुपुर्द कर दिए? पांचों वाहन थाने के सुपुर्द। ट्राली कितनी? 2 के पीछे है। 2 के पीछे टालियां हैं और 3 मुंडे हैं। 3 मुंह हैं। केंद्रीय मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश में लोगों को भ्रमित कर हिंसा करवा रही है। श्री गहलोत जावरा में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। वे एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सीएए और एनआरसी एक्ट का विरोध कर कांग्रेस खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। कांग्रेस देश में लोगों को भ्रमित कर आंदोलन और हिंसा करवा रही है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर आंदोलन, आगजनी, लूटपाट कर रहे हैं। ये तिरंगे संविधान और जनता का अपमान है। ऐसे गलत कामों से कांग्रेस को बचना चाहिए। गतिविधियों में संलग्न लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करके ऐसे लोगों के आंदोलन में साथ जाकर उनका समर्थन कर रही है, निंदनीय है। मैं विशेषकर विरोध पक्ष और कांग्रेस के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, देश अमन चैन चाहता है, देश की जनता अमन चैन चाहती है। देश ने इन 5 सालों में देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त की है। देश का गौरव और सम्मान दुनिया में बढ़ा है, भारत की जनता का मान सम्मान बढ़ा है। ऐसे वातावरण को खराब करने की कोशिश ना करें और इसके बावजूद भी अगर उनको समझ में नहीं आएगी तो देश की भावी पीढ़ी, देश की युवा पीढ़ी आजादी के दीवानों का तो सम्मान करेगी। महात्मा गांधी जी और मोहनदास करमचंद गांधी जी की कांग्रेस का तो आदर भाव करके उनको पूजेगी, परंतु तुमको नकारात्मक सोच के साथ हीन भावना से देखेगी, तिरस्कार करेगी और बड़ा खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस 134-135 साल की पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती, उनको आत्ममंथन करके विचार करना चाहिए और राष्ट्रवादी सोच देश में जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। श्री गहलोत ने प्रदेश में भाजपा की हार के लिए करनी सेना को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि एट्रोसिटी एक्ट के बदलाव लागू होने के विरोध के चलते ही भाजपा की पराजय हुई है। दरअसल करनी सेना के लगातार विरोध के चलते ही श्री गहलोत का पुत्र जितेंद्र गहलोत आलोट से विधानसभा चुनाव हार गया था, जिसका दर्द आज उनकी जुबा पर झलक आया। मार्जिनल बहुमत से हम हारे हैं, उसका प्रमुख कारण है अपने मध्य भारत में उज्जैन संभाग और ग्वालियर संभाग। ये जो एट्रोसिटीज एक्ट पारित किया था, करनी सेना ने गलत फहमी पैदा करके गलत फहमी का वातावरण बनाया, उस कारण से इन दोनों संभागों से जहाँ पहले उज्जैन संभाग में 28 सीटें जीते थे, इस बार 16 सीटें जीते हैं। ग्वालियर संभाग में हम 29 सीटें जीते थे तो अब किसे 4 सीटें जीते, और ये दोनों एट्रोसिटीज एक्ट के प्रभाव क्षेत्र में थे। एक बात, दूसरा ये 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करना,
4000 रुपये महीना, 6000 युवकों को 6000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, समूह लोन माफ करने का वादा था। इस कारण से प्रभाव में आए लोग और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। इस कारण से एक तरह से दुर्घटनावश मध्य प्रदेश में भाजपा हारी और कांग्रेस जीती। आज अगर चुनाव हो जाए तो मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार। एक मिनट, ऐसा कैसा ही छत्तीसगढ़ का हाल है, ऐसा कैसा ही राजस्थान का हाल है। कहीं भी कांग्रेस ने जो वादे पूरे किए वो पूरे नहीं किए। इसके साथ साथ झारखंड का जहाँ तक सवाल है, इस बार वहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी का वातावरण बन गया। हमारा मुख्यमंत्री गैर आदिवासी था और इस बार वो आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी का वातावरण बन गया। इस कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा भारी बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुआ। सगाई तोड़ने से नाराज एक युवक ने युवती पर प्राण घातक हमला कर दिया। हमले में युवती गंभीर घायल हो गई। घटना के बाद युवक ने भी जहर पी लिया। युवक युवती को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना रतलाम जिले के रिंगनौद थाना क्षेत्र की है। ग्राम चौकी निवासी युवती राधा कॉलेज से अपने घर जाने के लिए निकली। रास्ते में उसे जुजार सिंह भाटी नामक युवक ने रोका और उसे चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना की सूचना रिंगनौद पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवती को इलाज के लिए जावरा चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ हमला करने वाले युवक जुजार सिंह भाटी ने भी घटना के बाद जहर पी लिया। उसे भी इलाज के लिए जावरा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम रेफर कर दिया। बताया जाता है कि युवती की सगाई युवक से हुई थी, जो किन्हीं कारणों के चलते तोड़ दी गई थी। सगाई तोड़ने से ही युवक खफा था और उसने इस घटना को अंजाम दिया। रिंगनौद पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ था आपके साथ बताइए। मैं कॉलेज से जा रही थी घर पे, तो मेरे सामने से आया वो लड़का और डायरेक्ट मुझे काटना शुरू कर दिया उसने। फिर बाद में एक अंकल आए, उन्होंने बचाया मुझे। फिर उन्होंने पुलिस पे कॉल किया तो वो गाड़ी आई, वो डायरेक्ट मुझे ले आई जावरा। ये लड़का कौन है, क्या करता है, आपको कैसे जानता है? ये लड़का मेरे मतलब 1.5 साल पहले सगाई हुई थी, तो ये ज्यादा ही मतलब बहुत ही खतरनाक है, परेशान करने लग गया था मुझे हर एक बात में। किस तरह से? हर एक पूछो मत इसकी, तो बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। तो क्या करता था, किस तरह से परेशान करता था? वो मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देता था, बोलता था कि क्या करेगी पढ़ाई करके, रहने दे पढ़ाई करना। और भैया कोई गाली देने लग गया था अब तो बीच बीच में, बहुत ही खतरनाक। इसलिए मैंने, मेरी सगाई हुई थी मैंने छोड़ दिया उसे, तो उसने आज आकर मेरे साथ ऐसा किया। लड़का का क्या नाम है, कहाँ रहता है? वो पिपलिया से रहता है, जुजा नाम है उसका। से आया था, क्या मोटरसाइकिल? गाड़ी से आया था और जो मुझे काटा ना वो छुपा के आया, ने डायरेक्ट मेरे दोनों हाथ पकड़े और उसने काटना शुरू कर दिया। मुझे पता थोड़ा था कि ऐसा करेगा। आपकी मदद की किसी ने? हाँ, एक अंकल आए मैं गांव के, उन्होंने फिर मुझे बचाया। के भी नहीं, मैं चौकी से मतलब रिंगनौद सोसाइटी में खाद लेने के लिए जा रहा था बाइक से, तो ये लड़की पड़ी थी, खून में लथक पथक हो रही थी और ये जैसे दाव था एक हाथ में, उस दाव से ऐसे काट रहा था, तो ये उसको दाव चला रहा था। मैंने दूसरे भाग भग के जा रहे थे, मैंने जैसे देखा तो कि यार लड़की को काट रहे, तो मेरे पहचान में नहीं आई, तो मैंने किया चलो इसको छुड़ाए, तो एक दो जने तो कोई आए नहीं। फिर मेरे हिम्मत करी ने, जैसे इसने दाव उस पर यूँ करा, तो मैंने पीछे से दाव पकड़ा, दाव पकड़ के पूरा इसको पकड़ लिया, पकड़ के इसको कट्ठा पकड़ के दो एक जनों को फिर पकड़ा दिया। मैं फिर दाव लेके मैं थाने में गया, थाने में जाके मतलब जो है गाड़ी लेके ने इसको वापस थाने पर ले गया। आप लेके गए थे थाने? हाँ, थाने में स्वयं लेके गया था और थाने पे मैं गया था, थाने से गाड़ी मैं लेके आया। क्या नाम?
मेरा नाम भागीरथ वाड़ेल, पूर्व जनपद सदस्य और पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष चौकी का रहता हूँ।